गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करने पर बयान दिया था। शाह के बयान की उत्तर प्रदेश के भदोही लोकसभा सीट से उम्मीदवार ललितेश पत त्रिपाठी ने आलोचना की है। ललितेश त्रिपाठी ने कहा कि चूंकि भाजपा को विकास के मुद्दे पर जन समर्थन नहीं मिल रहा है, विकास की बातचीत से चुनावी मुहिम को भटकाने के लिए सरकार इस तरह की बातचीत कर रही है। आप भी सुनिए इस दौरान ललितेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है। विकास के एजेंडे पे इनको सपोर्ट मिल नहीं रहा है, क्योंकि जो विकास इन्होंने कराया है वो इस देश के सर्वाधिक लोगों का विकास नहीं है। एक्सप्रेसवे पे आप पूर्वांचल में आप एक्सप्रेसवे बेच रहे हो, पूर्वांचल में फोर व्हीलर ओनरशिप 5% 6% है। आपने 5-6% की आबादी के लिए 21,000 का एक्सप्रेसवे बनाया है। मैं मानता हूँ कि भविष्य में लोग फोर व्हीलर खरीदेंगे, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, मगर वर्तमान के पूर्वांचल में इस एक्सप्रेसवे का फ़ायदा नेताओं को होता है, अधिकारियों को होता है। आम जनता को इस सिक्स लेन एक्सप्रेसवे का उतना लाभ नहीं होता है जितना इनकी गांव की सड़क बनाने पे हो जाता, जितना इनके जिले मुख्यालय के आसपास के सड़कों को जोड़ने पे हो जाता। तो निश्चित रूप से, क्योंकि विकास के एजेंडे पे इनको जवाब नहीं देना है, इसीलिए वो ये सारे मुद्दे उठाते हैं। और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इन लोग के मुद्दे वो देश की सरकार के हाथे में नहीं है। POK को ले लेना, ये कैसा मुद्दा है? आपकी देश की सरकार ऐलान अगर कर रही है तो पूरे, मतलब ये तो आप ये कह रहे हैं कि आप किसी अन्य देश की, या जो इस देश का अंग था जो कहीं ना कहीं विवादित है, आप युद्ध की बात कर रहे हैं, आप युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। ये राजनीतिक मंच से ऐलान तो नहीं हो सकता है, ये भाषण में ऐलान तो नहीं हो सकता है। अगर आप युद्ध करना चाह रहे हैं तो उसकी एक व्यवस्था करनी होगी, और मुझे नहीं लगता है कि देश के पास इस समय उतना संसाधन है कि एक लंबे युद्ध में देश जाए। यहाँ के नौजवान संघर्ष कर रहे हैं अपने रोजी रोटी के लिए, उस पर ध्यान देने का वक्त है। यहाँ के लोग महंगाई के दबाव में दबे हुए हैं, उसके लिए हर परिवार संघर्ष कर रहा है, पढ़ाई से लेके खाने की चीज़ों को लेके, दवाई को लेके, सब चीज़ का दाम तिगुना चार गुना बढ़ गया है। उस तरफ ध्यान आकर्षित ना हो लोगों का, इसीलिए ऐसा मुद्दा ये लोग सामने रख दे रहे हैं। जवाब मिलेगा इनको 25 तारीख को यहाँ पे जवाब मिलेगा, और मुझे लग रहा है कि 1 तारीख को बनारस में भी जवाब मिलेगा। यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर आम चुनाव लड़ रही है, जबकि सूबे में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक भदोही की सीट इंडिया गठबंधन ने TMC कांग्रेस के लिए छोड़ रखी है। ललितेश त्रिपाठी इसी सीट से आम चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव दावा करते हैं कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की 80 में से 89 सीटें जीत रहा है, बस एक सीट पर भाजपा से लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने भदोही की सीट से विनोद कुमार विंद को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर से हरिशंकर चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रमेश चंद बिंद को 5,10,000 वोट मिले थे। बिंद ने तब बहुजन समाज पार्टी के रंगनाथ मिश्रा को करीबी अंतर से हरा दिया था। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार रमाकांत यादव रहे थे। यादव को 25,000 के करीब वोट मिले थे।